हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल रास्तन फायर सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि सब लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, यूट्यूब फैमिली की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की नई साल अच्छे से जाए और बढ़िया इंजॉय करें दोस्तों, और सभी को जॉब मिले दोस्तों। तो दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, क्योंकि और दोस्तों बेल आइकन के साथ करें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो मिस नहीं हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। तो टॉपिक ये है दोस्तों कि स्मोक डिटेक्टर किस प्रकार काम करता है दोस्तों। तो मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि किस प्रकार काम करता है दोस्तों। प्रैक्टिकली तो नहीं समझा रहा, पर आपको थ्योरी थोड़ी टाइप में समझा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे ऑफिस में या वॉल्स में ऊपर की तरफ लगा होता है दोस्तों, और ये स्मोक डिटेक्ट करता है, मतलब कैच करता है दोस्तों। तो जैसे ही कहीं पर आग लग जाती है दोस्तों, तब ये स्मोक डिटेक्ट करता है, मतलब स्मोक को कैच करता है दोस्तों। तो स्मोक कैच करते करते ही ये इन्फॉर्मेशन किसको देता है? फायर कंट्रोल पैनल को। और उससे आउटपुट क्या निकलता है दोस्तों? साउंड हुटर की आवाज़ निकलती है दोस्तों। जैसे ही साउंड हुटर जैसे बोलने लगेगा तो हमें पता लग जाता है कि कहीं पर इमरजेंसी हो गई है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कि स्मोक डिटेक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये कैसे पता लगाए, मतलब स्मोक डिटेक्टर सीलिंग में लगा होता है दोस्तों, तो हम कैसे पता करें कि ये चल भी रहा है या नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है? तो दोस्तों, स्मोक डिटेक्टर में दो लाइट लगी होती है, ग्रीन कलर की, जो हर 7 8 10 सेकंड में ब्लिंक होती रहती है, मतलब एक तरह से अपने वैसे भाषा में समझाओ तो चश्मबुज होती रहती है दोस्तों। तो हमें उससे क्या पता लगता है कि स्मोक डिटेक्टर प्रॉपरली ढंग से सही है दोस्तों। जब स्मोक डिटेक्टर में स्मोक को कैच करता है, तब इसमें लगी दोनों लाइट रेड हो जाती है, तो हम सभी को पता हो जाता है कि इमरजेंसी कहीं पर हुई है, तो हमें पता लग जाता है और सायरन को हम, तो दोस्तों जब कहीं स्मोक डिटेक्टर मतलब स्मोक को कैच कर लेता है तो स्मोक डिटेक्टर, तो हमें पता लग जाता है कहीं पर इमरजेंसी हुई है, और सायरन को हम साइलेंट मोड पर लगा देते हैं। फिर हम दोस्तों फिर हम स्मोक डिटेक्टर को ग्रीन कैसे करें? तो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले एक टेस्टर होना चाहिए दोस्तों। हम स्मोक डिटेक्टर को सीलिंग से तारेंगे, उसमें दो पेज लगे होते हैं दोस्तों, तो उस टेस्टर की सहायता से दोस्तों स्मोक डिटेक्टर को खोलेंगे, तो जो उसके ऊपर एक मतलब गोल्ड प्लास्टिक का कवर लगा होता है दोस्तों, उसको हम हटा दिया जाता है दोस्तों। जो पेज खोलेंगे तो उसके बाद जो वो प्लास्टिक का कवर होता है उसको हम हटा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, फिर हम देखेंगे तो अंदर एक जाली लगी रहती है, तो उसको हम निकालना चाहिए, और उसको हम मुंह से फूंक मार कर भी साफ कर सकते हैं दोस्तों। और सेंसर लगा होता है दोस्तों इसके अंदर, तो सेंसर को हम एक साफ क्लीन कपड़े से हम उसको सेंसर को साफ कर सकते हैं दोस्तों। फिर हम उसको वापस उसी तरीके से लगा देते हैं, फिर दोस्तों भी आपस में फिर लगा देते हैं, तो दोस्तों फिर वापस वो रेड दिखाई देती है बत्ती उसमें दोनों। तो दोस्तों, फायर पैनल को रिसेट करना, और तो फायर पैनल को रिसेट करना होगा, तो हम रिसेट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये फिर 7 से 8 10 सेकंड में मतलब चश्मबुज करने लग जाएगी, ग्रीन लाइट हो जाएगी दोस्तों। तो हम मान लेंगे कि ये सही ढंग से प्रॉपरली काम कर रहा है दोस्तों। मैं आपको ये बेसिकली बता दिया दोस्तों स्मोक डिटेक्टर के बारे में,
धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों।